इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, अब कांवड़ यात्रा के लिए पूर्वी यूपी में करें विशेष प्रबंध। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और सुविधा की लगातार निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को इस धार्मिक आयोजन के अगले पड़ाव को लेकर आगाह कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा व्यवस्थित और सुरक्षित निकाले जाने के लिए बेहतर प्रबंध करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। सुखद है कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही। बुधवार को लोक भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक के लिए आवागमन कर रहे हैं। ये सुखद है कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा अंतिम चरण में है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। इसे देखते हुए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए जाएं। सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए सभी प्रबंध कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि यातायात सहित सभी व्यवस्थाएं ऐसी हों कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उनकी सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध होने चाहिए। इसके अलावा योगी ने कहा कि पलिया कला क्षेत्र में शारदा नदी और बाराबांकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जाए। आपदा की स्थिति में आमजन की सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय आपदा रखें तट और केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये लगातार संवाद संपर्क बनाए रखें। यहाँ से प्राप्त आकलन और अनुमान संबंधी रिपोर्ट समय से फील्ड में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। भारत सरकार की एजेंसियों की मदद से आकाशीय बिजली के सटीक पूर्वानुमान की बेहतर प्रणाली के विकास के लिए प्रयास करने को भी उन्होंने कहा है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।